मतदान करने के लिए आए हैं, हजारीबाग के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, माँ के लिए, बच्चा के लिए, हर समय आशीर्वाद रहता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। हम खड़े हैं चुनावी बूथ पर, जहां एक वोट की ताकत पूरे देश की दिशा बदल सकती। यह केवल मतदान नहीं है बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक है। ऐसे में क्यों ना हम सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या जो भी 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष का हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लें। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में। यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं, मैं एक बार बता देना चाहूँगी, 310, 311, 312, 313 और 314। मैं कुल मतदाताओं की भी संख्या आपको बताना चाहूँगी। पहले 310 में कुल मतदाता हैं 1213, 311 नंबर बूथ पर हैं 1078, 312 नंबर बूथ पे 787 और 313 और 314 बूथ पर दोनों में 636। आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदाताओं की काफ़ी भीड़ है। ये दिखलाता है आज भी मतदान को लेकर के लोगों में जागरूकता फैल रही है और लोग काफ़ी उत्साह से मतदान का, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस मतदान बूथ पर प्रदीप प्रसाद, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं मतदान केंद्र में आप पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। आप एक प्रत्याशी भी हैं और आप आज मतदान करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतदान करने के लिए आए हैं हजारीबाग के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए। और प्रत्येक जो हमारी जनता है, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें, मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप प्रसाद, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे हैं और आपने सुना, उन्होंने अपने हजारीबाग की जनता से अपील किया है कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और वोट जरूर करें। बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा बहुत कोशिश भी कर रहा है, जनता सब साथ दे रही है। हाँ, जितना हर संभव दुख तकलीफ में खड़ा रहेगा और कोई कसर कमी नहीं रखेगा। बेटा को आशीर्वाद दिए? हाँ, दिए आशीर्वाद, माँ के लिए, बेटा के लिए, हर समय आशीर्वाद रहता। कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को मतदान को लेकर के। ये कि उसको जिताइए, वैसे उम्मीदवार को जिताइए, वैसे दल को जिताइए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, समाज में अमन चैन कायम रहे, है ना, और इस क्षेत्र का विकास होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? बस मैंने बताया ना, 3 मुद्दे हमारे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अमन चैन। ये 4 मुद्दे हमारे हैं जिनको लेकर के हम ये करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे दादी खड़ी हैं, दादी कैसा महसूस कर रही हैं वोट करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पूरा सेटिस्फेक्शन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हैं। दीदी भी हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा है, हमारे मोहल्ला के विधायक होंगे और बचपन से हम लोग उसी मोहल्ला में काटे हैं, हमारे बैचमेट है, तो हम तो अभी वोट दिए नहीं हैं, हम खोज ही रहे हैं कि मेरा कहाँ। हम रात को आए बिहार से 10 बजे। मतलब वोट को लेकर लोग जागरूक हैं कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं? क्यों नहीं, खुशी का बात है। हम रात को आए 10 बजे, 12 घंटा जाम में फंस गए, अभी सुबह आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर और भी मतदाता हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। आइए जानते हैं। जो हमारा हक है हमको दीजिए, जैसे रोड है और सब विकास का चीज़ है, विकास कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी लोग नजर, रुके भैया, रुकेगा रुकेगा। इलेक्शन के टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगता है, कैंपेनिंग, रैली या प्रत्याशी के वादे या वोटिंग का मूवमेंट? वोटिंग का मूवमेंट क्यों है, क्यों अच्छा लगता है वोटिंग का मूवमेंट? वोटिंग का मूवमेंट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यही वो दिन होता है जो जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो उनका जो मेहनत होता है इतने दिन का, उतना उनका जो लगन होता है, जिस लगन से, जिस मेहनत से वो अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो आज परिणाम एक तरह से समझ लीजिए परीक्षा का दिन होता है, ठीक है, और इस दिन एक अलग उत्सुकता सबके आँखों में, सबके अंदर एक अलग जुनून देखा जाता है वोटिंग के प्रति। और हम अपील करेंगे हजारीबाग की जनता से कि अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग घर से बाहर निकलें और अपने जो चुनिंदा प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट करें, एक अच्छा नेता चुने, एक सच्चा नेता चुने जो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं हमेशा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर भैया मौजूद है, भैया एक मिनट रुकेगा। अगर एक वोट को लेकर आपको कोई सुपर पावर मिलती है तो वो सुपर पावर क्या होनी चाहिए? सुपर पावर कि मतलब पहले अपना एरिया जो है ना वो डेवलप सबसे पहले होना चाहिए,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ेंगे और भी मतदाताओं से जुड़ेंगे, आइए जुड़ते हैं। आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान को लेकर? युवा पीढ़ी को चाहेंगे कि वो लोग भी अपना मिलजुल के वोट दें, घर से निकले, ये पर्व बार बार नहीं आता है, 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है, इस मौका को लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का बहुत मुद्दा है, एक आदमी क्या करेगा, इतने दिनों का जो परेशानी है वो तुरंत होगा भी नहीं ठीक, इसलिए जो जो सेंसिटिव है ज्यादा उसको जल्दी करना है, धीरे 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 सब होगा, लेकिन कोई अच्छा आदमी आए जो अच्छे से करे, निष्ठा से, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। पूरा इस बार झारखंड में बदलाव का लहर है, यहाँ सबसे पहले है कि एजुकेशन, शिक्षा में सुधार, इसके साथ हेल्थ सेक्टर का, सड़क बनी है लेकिन और उसका विस्तार, विकास का कोई पैमाना नहीं होता है, समय के साथ हर दिन बदलते चला जाता है, उस ढांचे में उसका परिवर्तन, उसके समय के साथ बदलाव होते जाएगा, वो होगा। और बाकी नौजवानों का रोज़गार, महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाएगा, रोज़गार से जोड़ा जाएगा। आप भी अपने घरों से ज़रूर निकलें और वोट ज़रूर करें, वोट आपका अधिकार है और अपने अधिकार का लाभ ज़रूर उठाएं।